दोस्तों, कांवड़ियों के गुंडागर्दी का एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो आया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। बात बस इतनी सी थी, कांवड़िए एक पेट्रोल पंप के पास आम खा रहे थे और बीड़ियां पी रहे थे। एक कर्मचारी ने उन्हें मना किया, इस बात पर कहा सुनिए ओए, और उसकी उन्होंने इतनी जमकर पिटाई की कि वो इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो केबिन में घुस गए और उन्होंने केबिन के भी शीशे तोड़े। ये विजुअल साहब वहीं के देख रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मौके पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब कुछ वहां पर तमाशबीन बने वो लोग देखते रहे और लोग भी इसका वीडियो बनाते रहे। उन्हें ये जरा भी एहसास नहीं है कि हम ये धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, हम धर्म के नाम पर यात्रा कर रहे हैं, इससे धर्म की बदनामी होगी और ये वीडियो देश नहीं पूरी दुनिया में जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ की बदनामी होगी। कभी वो किसी का ई रिक्शा तोड़ देते हैं, कभी किसी की गाड़ी तोड़ देते हैं, कभी किसी के पेट्रोल पंप पे हंगामा करते हैं, ये उनका रोज का मामला। कल एक खबर उड़की से आई थी जहां पर ई रिक्शा चालक को उन्होंने बुरी तरह पीटा, उसके बाद उसके ई रिक्शा को नेस्तो नाबूद कर दिया, यानी उसको बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया। यह ई रिक्शा उस गरीब की रोजी रोटी का सहारा था, यानी कि उस बच्चों की रोजी का सहारा था। इन्हें ये जरा भी एहसास नहीं है कि हम अपनी धार्मिक यात्रा में किसी की रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कल इसी तरह का एक वीडियो मुजफ्फरनगर से ही आया था जहां पर एक कार चालक की उन्होंने जम के पिटाई की, उसको लातों से और घूसों से बुरी तरह मारा, उसके बाद उसकी गाड़ी को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। उसके बाद गाड़ी चालक वहां से भाग के लक्ष्मी फूड प्लाजा में घुस गया। उस फूड प्लाजा की यानी कि उस होटल की उन्होंने बुरी हालत की तमाम शीशे और तमाम कुर्सियां वगैरह उसकी तोड़ दी। इस तरह की जितनी भी वारदातें आ रही हैं, इन सब वारदातों में एक बात कॉमन है कि हर मामले में पुलिस मौके पे मौजूद थी, पुलिस भी खड़े होकर वहां पर तमाशा देखती रही, वो मारते रहे, पीटते रहे, नुकसान करते रहे, लेकिन किसी कांवड़िए की अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले मैं उस बच्चे के पिता का बयान सुनाता हूँ, कितना वो डरा हुआ है जिसका बच्चा इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसके बाद मैं बयान सुनाऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस का कि किस तरह से पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है। शाम को लगभग 4 बजे के आसपास थाना मंसूरपुर क्षेत्र अंतर्गत देवराजपुर में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे कुछ कांवड़ यात्री रुके हुए थे। वहाँ पे कांवड़ियों द्वारा एक आम खा करके गुठली फेंका जा रहा था, जिसपे वहाँ के एक कर्मचारी ने मना किया। उस मना करने में उनके बीच बहस शुरू हो गई और वो फिर मारपीट में तब्दील हो गए, और जब वो वहाँ से केबिन की तरफ भागा तो वो उसके पीछे दौड़ लिए, जिसमें केबिन के कुछ के एक शीशा भी टूट गया और उसके साथ जो हल्की फुल्की मारपीट हुई है, और उसको तत्काल हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुझे उसका बदल के ना जाना पड़ेगा भाई, पेट्रोल पंप है इस बात तक जाके तो मैं पीड़े ना पियो क्या तू कौन लोग ना बस जबरदस्ती कट बजा दे सब। आपका लड़का कस्टडी में कैसे कंडीशन है? कंडीशन मैं जो पे आईसीयू आईसीयू डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या पता अभी तो कुछ पता नहीं पाए। तो आप इसमें क्या चाहते हो? हम क्या चाहना, हम इनके बोलो करके क्या चाह सके, हम क्या कर सके, हमको क्या करने वाले हैं? आपने किसी पुलिस प्रशासन में किसी को पुलिस प्रशासन जो जिसका फोन था वो करेगा, पर हम जब उसका नंबर है